वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपने सबने सुना होगा, कभी बड़ों को, कभी बच्चों को, किसी न किसी को हुआ होगा। बहुत सारों को लोगों को लगता है कि टाइफाइड के केसेस अब ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, बीमारी बढ़ने लगी है। तो टाइफाइड के बारे में छोटे में यही बताना चाहूँगा कि ये कीटाणु जो फैलते हैं वो गंदे पानी से, गंदे खाने से फैलते हैं। सो आप जितना हाइजीन मेंटेन कर पाओगे तो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम स्ट्रीट फूड के बहुत शौकीन हैं और बाहर का हमारा खाने का जो कल्चर है वो बदल गया है। बहुत ज़्यादा हम बाहर खाने लगे और हाइजीन मेंटेन करना आजकल के इन्वायरमेंट में, खासकर जहाँ पे हमारा ड्रेनेज का इतना इशू है, बारिश का मौसम हुआ और सब जगह वाटर लॉगिंग हुई, तो कितने साफ़ सफाई से आप बाहर खा रहे हो, बर्तन धुल रहे हैं या रोड साइड आप खा रहे हो, नाले के साथ ही गोलगप्पे खा रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से केसेस बढ़ गए हैं। दूसरा क्या होता है कि इसके जो टेस्ट हैं वो भी 100% फुल प्रूफ नहीं होते। जो बेस्ट टेस्ट होता है इसके लिए होता है ब्लड कल्चर, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और आइडियली वो टेस्ट जो है 100% आपको बताता है कि कौन से तरह का कीटाणु है और कौन सी दवाई से ठीक होगा। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं की हो। अगर आप पहले से अपने आप ही एंटीबायोटिक दे रहे हो बिना डॉक्टर की सलाह पे, उसके बाद टेस्ट करा रहे हो, तो ये नहीं आएगा। और जो कॉमन सबसे जो हम टेस्ट कराते हैं वो विडाल टेस्ट होता है, जो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं घुसना नहीं चाहूँगा। मैं बस यही कहूँगा कि ये फैलता है हमारे गंदे खाने से और पानी से। अगर हम साफ़ सफाई से पानी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ढंग से खाना खा रहे हैं, तो नहीं होगा। जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए या फिर हर चीज़ को देखते हुए, सो अपनी तरफ से मेंटेन करके रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और किसी को भी टाइफाइड हुआ है घर पे, तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि अगर उसको हुआ है तो आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को, सोचते हो सब एक साथ रह रहे हो, क्योंकि वो ओरो फीकल रूल होता है, जो रूट होता है, जो जैसे हम मुंह से खाते हैं और पॉटी के रास्ते स्प्रेड करते हैं। तो अगर किसी को प्रॉपर टाइफाइड हुआ है तो अगले 2 हफ्ते तक ही कैन हेल्प स्प्रेडिंग ऑफ वो कीटाणु, आप सबको फैल सकता है। तो स्पेशली किचन में जो काम कर रहे हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली हैंड हाइजीन और मेंटेन करके रखें, नहीं तो फिर सबको होने के चांसेस हैं। तो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस रखने और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। और टाइम दवाई कितने ड्यूरेशन के लिए दे ले रहे हो वो भी बहुत बड़ा मैटर है, कि अगर प्रॉपर कल्चर पॉजिटिव है तो उसकी दवाई 2 हफ्ते चलती है। अगर आपने प्रॉपर कोर्स नहीं किया, 3-4 दिन में आपको आराम आ गया, आपने दवाई बंद कर दी, तो फिर ये रिकर हो सकता है और जब दोबारा होता है तो वो ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। और टाइफाइड अपना टाइम लेके जाता है और उसमें काफ़ी फीवर भी जो है बहुत हाई ग्रेड आता है, आँतों में थोड़ा सूजन रह सकती है, तो एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, बच्चों को खाने पीने का मन नहीं करता। सो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।